हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल की डेट्स आ चुकी हैं, एसएससी सीपीओ के भी एग्ज़ाम्स हैं, और सीजीएल के बाद फिर सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स होंगे, और उसके बाद एमटीएस के एग्ज़ाम होंगे। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें मैं 2017 के टीयर 1 के और टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस पूरी सीरीज़ को आप ध्यान से देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि examinee.in इस वेबसाइट पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश सेक्शन प्रोफिशिएंसी के रिगार्डिंग। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। और इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैंने सेट 26 लिया है, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रियल सेट है, रियल क्वेश्चंस हैं, और ये एग्ज़ाम हुआ था 18/8/2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अब देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। प्लीज़ पूरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और इसमें आपको 25 बेस्ट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा इस पूरे वीडियो क्लास में। तो यहाँ पर एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन दिया है, सेवरल ग्रेट बैटल्स टुक प्लेस अमंग द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन्स। इसका क्या मतलब है? इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई अमेरिकन्स के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। टुक प्लेस का मतलब होना है, बैटल्स का मतलब लड़ाइयाँ हैं। तो इसमें केवल दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स। तो दो पार्टी के लिए हम इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंड अबाउट द बेंड। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा, गर्गल्ड मतलब जैसे हम पानी का कुल्ला करते हैं, या आप किसी बॉटल में से पानी को निकालते हैं, ठीक है। तो पानी की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब बॉटल में से पानी को बाहर आप निकालते हैं, क्योंकि उसकी नेक में से जब पानी निकलता है तो वहाँ पर उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो उसी के लिए ये गर्गल्ड वर्ड का यूज़ हुआ है। कंटेंड मतलब सेटिस्फाई होना किसी चीज़ से। तो पानी की ये एक्चुअली ये सेंटेंस है, ये लिटरेचर से लिया है, एक लिटरेचर का ये सेंटेंस है, ठीक है। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड, स्लोड टू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए स्लोड अराउंड द बेंड। जब एक पानी की धारा वहाँ से गुजर रही थी तो एक मोड़ के पास पानी की धारा की जो आवाज़ है वो चेंज हो गई। द स्ट्रीम गर्गल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड अराउंड द बेंड, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पाथ है ये इसमें रॉन्ग है, और सी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन इन ऑर्डर टू इलूड द पुलिस। इलूड का मतलब क्या होता है? इलूड का मतलब होता है चकमा देना। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, जिसको हम हिंदी में उर्फ बोलते हैं। एक्चुअली ये उर्दू का वर्ड है उर्फ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है एलियास, ठीक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा एलियास। तो यहां पर आप बोल सकते हैं द क्रिमिनल चेंज्ड हिज नेम टू एन एलियास इन ऑर्डर टू इलूड द पुलिस। पुलिस को इलूड करने के लिए, पुलिस को चकमा देने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए। इन ऑर्डर टू इलूड द पुलिस द क्रिमिनल चेंज हिज नेम टू एन एलियास, अपना एक अलग से उसने नाम रख लिया पुलिस को चकमा देने के लिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस, और ऑप्शंस तो है ही इसमें, अनट्रू भी है। तो काफ़ी सरल ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं इस न्यू फ्रेश टारगेट बैच के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस ऑनलाइन वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम इसकी फीस है। पूरा इंग्लिश सेक्शन इसमें कवर होगा, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, और 90% मार्क्स की इसमें गारंटी रहती है यदि आप इस पूरे वीडियो कोर्स को आप फॉलो करते हैं। तो एक नया बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारे नंबर्स यहाँ पर दिए हैं। इसका जो रेगुलर प्राइस है, या इस ऑनलाइन कोर्स का जो MRP होना चाहिए वो 5,500 रुपये होना चाहिए, 5,500। लेकिन इस कोर्स को ऑफर के तहत आप केवल 1,699 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इसको इस ऑफर में एक्चुअली ये कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 4 महीने है, लेकिन इसमें मैं 8 महीने की वैलिडिटी आपको फ्री दे रहा हूँ। इसमें पूरा 1 साल की वैलिडिटी आपको इस तरीके से मिलेगी, और इसको आप नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा इंग्लिश सेक्शन कवर होगा इसमें, टीयर 1 का, टीयर 2 का और टीयर 3 का। वीडियो क्लासेस रहेंगी, और इसमें आपको ई बुक्स भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भेजूंगा इस ऑफर में, ठीक है। 6 ई बुक इसमें आपको फ्री मिलेंगी, वोकेबलरी की, 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन इसमें फ्री मिलेगा, पूरा ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ इसमें रहेगी, और इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो ये बेहतरीन रहेगा
आपके लिए। इसको आप नीचे दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये पूरा कोर्स आप examinee.in वेबसाइट पर आप देखेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा, और लॉगिन करके इसको आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द विद माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वोक आर चिल्ड्रन। वोक का मतलब होता है जगा देना या जग जाना, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चूंकि दा लगा हुआ है तो यहाँ पर एक नाउन आएगा। और किस चीज़ की वजह से लोग जाग जाते हैं, कौन सी चीज़ जब तेज आवाज में होती है, तो कोरल, मोरल और लॉरल का तो कोई सेंस नहीं है। कोरल तो समुद्र में होता है, मोरल मतलब नैतिक, लॉरल मतलब तारीफ करना, तो लॉरल एक पेड़ का नाम भी होता है एक्चुअली। तो क्वेरल ही यहाँ पर केवल सही आंसर आपका हो सकता है। द क्वेरल विद माई हस्बैंड एंड आई हैड वॉज सो लाउड इट वोक आर चिल्ड्रन, मतलब मेरे और मेरे पति के साथ मेरी जो लड़ाई हुई वो इतनी तेज थी कि उसने हमारे बच्चों को जगा दिया। ये इस सेंटेंस का मतलब है। सिनोनिम्स देखते हैं। लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब होता है कूड़ा करकट या गार्बेज। तो ट्रैश जो होगा वो इसका सिनोनिम होगा, ट्रैश का मतलब भी कूड़ा करकट होता है। ऑर्डर, पजेस का मतलब ओन करना किसी चीज़ को, ऑर्डर जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ट्रैश जो है ये सही है, इसका गार्बेज भी हो सकता है इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का क्या मतलब है, ऑब्लिटरेट का मतलब डैमेज करना भी होता है, मिटाना भी होता है, रिमूव करना भी होता है, वाइप आउट भी होता है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा एनीहिलेट, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना है, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, इनिशिएट मतलब शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम्स के क्वेश्चन है। स्किम्प, और स्किम का मतलब होता है पैसे को बचाना, मित व्ययता जिसको हम बोलते हैं, इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम इसका स्क्रिम्प और स्किम्प तो सेम ही वर्ड है। कंजर्व का मतलब होता है रिसोर्सेज को बचाना, ठीक है, वाटर को बचाना। जैसे कर्टेल का मतलब काटना या छोटा करना, स्क्वेंडर मतलब वेस्ट करना। जब आप किसी चीज़ को बचाते नहीं हैं, इकोनॉमाइज नहीं करते हैं, तो उसको आप वेस्ट करते हैं। तो स्क्रिम्प का अपोजिट होगा यहाँ पर स्क्वेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गज़ल। गज़ल का मतलब जैसे आप जब भूखे होते हैं तो बहुत तेज़ी से खाते या पीते हैं, उसको हम बोलते हैं गज़ल। और गज़ल का उल्टा होता है, गज़ल मतलब एकदम तेज़ी से खाना, हरिडली या ग्रीडीली खाना किसी चीज़ को। और स्टार्व का मतलब होता है खाने की कमी होना या भूखा मरना, उसको हम बोलते हैं स्टार्व। और इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है स्टार्वेशन, ठीक है। कैराउस का मतलब भी वही होता है, तेज़ी से खाना या पीना। कॉफ का मतलब ये ड्रिंक के लिए इस्तेमाल होता है, कॉफ। इम्बाइब का मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना या सीख जाना, ठीक है। तो गज़ल का एंटोनिम यहाँ पर होगा स्टाव। गज़ल का मतलब तेज़ी से खाना या पीना। टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ, टू हैव ए साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है राहत की सांस लेना। कोई अनप्लीजेंट चीज़ जो होने वाली थी और हो नहीं पाई, तो आप कहते हैं कि मज़ा आ गया, आपने एक राहत की सांस ली क्योंकि वो चीज़ घटित नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए आएगा टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लीजेंट हैजंट हैपेंड और हैज एंडेड। कोई ख़राब चीज़, कोई गलत चीज़ जिसको आप नहीं चाहते वो नहीं हो पाई, तो उसको हम बोलेंगे टू हैव अ साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, टू बी ऑन क्लाउड नाइन का मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सपोज आप SSC एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC में आप सेलेक्ट हो गए, आपकी रैंक आ गई, आप IAS में सेलेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा जब आप खुश होते हैं तो उसको बोलते हैं टू बी ऑन क्लाउड नाइन। तो यहाँ पर टू बी ऑन क्लाउड नाइन का जो सही होगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, ठीक है। शी वॉज अनइजी बिकॉज शी नेवर बी ऑन ए प्लेन बिफोर। अनइजी का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल होना। अनकम्फर्टेबल आप तब होते हैं जब किसी चीज़ को आप फर्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। तो इसमें नेवर बी के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई हैव बीन टू गोवा मैनी टाइम्स, मतलब मैं कई बार गोवा जा चुका हूँ। इसी को यदि मैं पास्ट टेंस में बोलूँ, सपोज पास्ट की कोई बात मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैड बीन टू गोवा बिफोर आई मेट हिम, उससे मिलने से पहले मैं गोवा कई बार जा चुका था, आई हैड बीन टू गोवा। तो यहाँ पर चूंकि प्लेस का नाम आ रहा है इसलिए मैं टू गोवा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑन ए प्लेन। प्लेन के लिए हम बोलते हैं ऑन ए प्लेन। शी वॉज अनइजी बिकॉज सी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर, सी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। तो यहाँ पर इसके स्थान पर ये जो पर्टिकुलर फ्रेज है नेवर बी, इसके स्थान पर मैं बोलूँगा शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। यहाँ पर बिफोर आया है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बोला जा रहा है।
उस किसी पर्टिकुलर मूवमेंट से पहले इसको बोला जा रहा है, ठीक है, पास्ट में। तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे शी वॉज अनइजी, वह अनइजी थी, अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि वो उससे पहले कभी प्लेन पर नहीं बैठी थी। सी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर, सी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर, ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहां पर इसका आंसर होगा हैड नेवर बीन, हैड नेवर बीन। जैसे यदि मैं बोलूँ आई हैड नेवर बीन टू गोवा बिफोर आई मैट हिम, उससे मिलने से पहले मैं कभी भी गोवा नहीं गया था। और यदि प्रेजेंट में बोलूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव नेवर बीन टू गोवा, मतलब मैं कभी भी गोवा नहीं गया हूँ। लेकिन इसमें प्लेन की बात हो रही है तो हम बोलेंगे इसमें शी वॉज अनइजी बिकॉज शी हैड नेवर बीन ऑन ए प्लेन बिफोर। तो इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड डैश टू पीसेस। डैश टू पीसेस का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना, किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना। तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड, वो उस एस्केप का मतलब होता है किसी चीज से बचना। तो कोई भी नहीं जानता कि वो उस चीज से कैसे बचा, किस चीज से बचा, बीइंग डैश्ड। बीइंग डैश्ड का यहां पर एक मतलब निकल रहा है कि हिट होना। नो वन नोज हाउ ही एस्केप्ड, एस्केप्ड वॉट, बीइंग डैश्ड टू पीसेस। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी डैश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूट एग्जर्ट्स ऑन ए बॉडी फ्लोटिंग इन इट। जैसे पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के नीचे से, पानी के नीचे से जो थ्रस्ट होता है, जो प्रेशर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट, ठीक है। प्लंज का मतलब डूबना, सबमर्ज का मतलब डूबना, कैप्साइज का मतलब उलटना, जैसे नाव उलट जाती है उसको हम बोलते हैं कैप्साइज। प्लंज डूबना या डुबकी लगाना, सबमर्ज डूब जाना, अप थ्रस्ट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट। किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना, उससे नफरत करना, आयरनी का अर्थ होता है व्यंग करना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सार्केज्म, सार्केस्टिक। यदि आप व्यंग करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं सार्केस्टिक, सार्केज्म। इसका सही आंसर होगा सेंक्शन, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ या बड़ाई करना। तो द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक, मॉक मतलब हंसी उड़ाना, ठीक है, और कंटेम्प्ट मतलब किसी को डिसलाइक करना या नफरत करना। तो डिसलाइक को कन्वे करने के लिए, डिसलाइक या कंटेम्प्ट को नफरत करने के लिए जब हम किसी व्यक्ति को मॉक करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सार्केज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड थ्रैश, थ्रैश में एक्चुअली दो होते हैं। थ्रैश का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पीटना, पर्टिकुलरली डंडी से या डंडे से, ठीक है। तो थ्रैश की स्पेलिंग होगी TH RASH ING, ये इसकी सही स्पेलिंग है। और थ्रैश में एक और होता है TH RESH ING, जिसका मतलब होता है थ्रैशिंग, जिसको गेहूं को जब अलग निकालते हैं उसके बाली से, उसको बोलते हैं थ्रैशिंग। यहां पर थ्रैश का मतलब है पीटना। तो डी इसका सही आंसर आपका होगा थ्रैशिंग। कंसेंसस यानी आम सहमति, कई सारे लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसेंसस। एंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंसेंसस इज CONSENSUS, CONSENSUS, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कंसेंसस। नाउ लेट अस सी द पहला एग्जांपल, एज फॉर आर सेल्फ्स वी, ये बीच में से कहीं से उठाया है, एज फॉर आर सेल्फ वी, वी वी के साथ हम यहां पर क्या लगा सकते हैं? वी एक सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, एक कनेक्टिंग वर्ब लगा सकते हैं। वी वर कंटेंटेड विद, वी वर कंटेंटेड विद वॉट, विद अ गुड वॉश एंड एंड कॉम्बिंग आर हेयर। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस ये बनेगा, सेकेंड सेंटेंस ये बनेगा, और ये बनेगा आपका थर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो जेड बाय एक्स, एज फॉर आर सेल्फ वी वर कंटेंटेड विद अ गुड वॉश एंड कॉम्बिंग आर हेयर। तो जेड बाय एक्स इसमें आपका सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जेड बाय एक्स, डी इसमें आपका सही आंसर होगा जेड बाय एक्स, ठीक है। इफ देयर इज आ, तो यहां पर दिया है ए, और ए के बाद यहां पर इसमें नाउन आना चाहिए, तो नाउन है इसमें चेंज। इफ देयर इज ए चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, तो सर्टेन के बाद, सर्टेन एक एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हम एक नाउन लगाएंगे, नाउन हो जाएगा इसमें काइंड। तो इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, ये हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है।
इफ देयर इज अ सर्टेन इफ देयर इज अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ सर्टेन काइंड देयर हैज टू बी अ करेस्पॉन्डिंग सेंसेशन. तो यदि ब्रेन में कोई एक्टिविटी होती है तो उसका करेस्पॉन्डिंग सेंसेशन भी होता है. इफ देयर इज अ चेंज इन ब्रेन एक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन काइंड देयर हैज टू बी ए करेस्पॉन्डिंग सेंसेशन. जेड बाय और एक्स, इसमें भी जेड बाय और एक्स, इसमें आपका आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड. इसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है. द फायर इसमें सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉयड इसमें वर्ब है, और द फायर डिस्ट्रॉयड व्हाट द होल नेबरहुड. नेबरहुड इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये है इसमें ऑब्जेक्ट, ये है इसमें वर्ब, और ये है इसमें सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट जो होगा ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में. तो द होल नेबरहुड से ये सेंटेंस बनेगा, और चूंकि ये पास्ट सिंपल टेंस में है तो इसमें वॉज या वर का प्रयोग होगा. तो द होल नेबरहुड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. इसमें इज है तो इससे नहीं बनेगा, इसमें बीइंग नहीं आएगा, बीइंग कंटिन्यूस में आता है, इसमें इज बीइंग नहीं आएगा. तो द ओनली आंसर दैट इज लेफ्ट इज बी, द होल नेबरहुड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. ठीक है. द एक्यूज सेड टू द जज लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई सर. ये इसमें एक्यूज जो है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो जज से बोल रहा है कि मुझे अपने बच्चों से मिलने दें इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मरने से पहले मुझे अपने बच्चों से एक बार मिल ले दें. द एक्यूज सेड टू द जज लेट मी मीट माई चिल्ड्रन बिफोर आई डाई. तो सेड के स्थान पर इसमें आ जाएगा रिक्वेस्टेड, पास्ट में जाएगा ये सेंटेंसेस, पास्ट में जाएगा. द एक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड. यहाँ पर भी डाई के स्थान पर इसमें डाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, द एक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड. हाँ, इसमें रिक्वेस्ट है, ये इसलिए गलत हो जाएगा. बैक्स इसमें नहीं आएगा, और बैक डा सकता है लेकिन इसमें डाइज आ रहा है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. इसमें आपका कुल मिला के आपका बी और जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इसमें रूल्स सही तरीके से फॉलो हुए हैं. द एक्यूज रिक्वेस्टेड द जज टू लेट हिम मीट हिज चिल्ड्रन बिफोर ही डाइड. ये है आपका क्लोज टेस्ट, और इसको देखते हैं. जिम क्रो शंस द माउंटेन फॉर रीजन सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ नॉट सो द मैगपाई द रेबन एंड मिस्चीफ मेकर क्लार्क नट क्रैकर ऑल ऑफ विच कीप्स द वर्ल्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस अंटिल ही हैज. ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में है? ये क्लोज टेस्ट बर्ड लवर के बारे में है, जो चिड़ियों से प्रेम करते हैं, जो इस तरह के नेचुरल लाइफ से प्रेम करते हैं उनके बारे में है ये. जिम क्रो शंस द माउंटेन फॉर रीजन सेटिस्फैक्ट्री टू हिमसेल्फ नॉट सो द मैगपाई. जिम क्रो जो होता है वो शंस द माउंटेन, माउंटेन्स पर जाना पसंद नहीं करता है, और उसके रीज़न उसी को पता होंगे. नॉट सो द मैगपाई द रेवन एंड, यहाँ पर आ सकता है रेवन एंड दैट दैट मिस्चीफ मेकर, रेबन एंड दैट मिस्चीफ मेकर क्लार्क नट क्रैकर ऑल ऑफ विच कीप्स द वर्ल्ड लवर फ्रॉम द ईस्ट इन एन एक्सटेसी ऑफ सरप्राइजेस अंटिल ही हैज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, और थर्ड फॉर्म बिकम की होती है, बिकम बिकेम एंड बिकम. तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आंसर होगा आपका डी, अंटिल ही हैज बिकम अकस्टम टू हिज चेंज एनवायरमेंट. One cannot help. इस तरह के फ्रेजेस में हम ing form लगाते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ कि I could not help laughing, मैं अपने आप को laughing से नहीं रोक सका. One cannot help. तो यहाँ पर इसमें ing form ही आ सकती है, यहाँ पर आएगा falling. One cannot help falling into the speculative mood in view of the sharp contrast. Contrast जो होता है दो चीज़ों के बीच में होता है हमेशा. तो कॉन्ट्रास्ट के पहले हम यहाँ पर, कॉन्ट्रास्ट के बाद यहाँ पर हम बिटवीन लगा सकते हैं. इन व्यू ऑफ द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड ऑफ द वेस्ट. यहाँ पर ईस्ट की वर्ड्स और वेस्ट की वर्ड्स में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वर्ड्स ऑफ द ईस्ट एंड वर्ड्स ऑफ द वेस्ट. तो वर्ड्स ऑफ द वेस्ट के स्थान पर हम बोल सकते हैं दोज ऑफ द वेस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से ये 25 क्वेश्चन हैं, और आगे भी मैं टीयर 1 और टीयर 2 के पूरे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पर. तो यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं.
और एसएससी एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं और इंग्लिश सेक्शन आपकी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव बैच ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन वीडियो कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।